अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसएम महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस में एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स को स्टडी किया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस में रिलेटिव लेंथ यूनिट्स कौन कौन से हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। रिलेटिव लेंथ यूनिट्स से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लूंगा और लास्ट टाइम हमने यहाँ तक स्टडी किया, ये हमारे डन हो गए थे और इस वीडियो में हम इन 7 यूनिट्स को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पर कोड एडिटर को ओपन कर लूंगा और यहाँ पे बेसिकली हेडिंग को चेंज कर दूंगा रिलेटिव लेंथ यूनिट्स और एक और पैराग्राफ टैग को ऐड कर लूंगा P7, क्योंकि हमारे पास 7 रिलेटिव यूनिट्स हैं और यहाँ पर इनको अनकमेंट कर दूंगा और ये बेसिकली कलेक्ट कर दूंगा। ओके, इसको भी अनकमेंट कर दूंगा और यहाँ पर एक सिर्फ और क्लास ऐड कर दूंगा 7 और सबको मैं फॉन्ट साइज दे दूंगा 16 पिक्सल। सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा डिफॉल्ट स्टेट है। साथ ही इंस्पेक्टर को ऑन कर लेंगे, क्रोम डेप टूल है इंस्पेक्टर और यहाँ पर मैं कोड एडिटर में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर दूंगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे EM, RAM और बाकी यूनिट्स से। बेसिकली इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये यूज करके दिखा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम पिक्सल, M, RAM और परसेंटेज इन 4 यूनिट्स को थ्रू ऑफ द कोर्स यूज करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका डिटेल में बताऊंगा कि ओके ये आपस में किस तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इनको यूज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं सबको M और यहाँ पे 1M, RAM और यहाँ पर 1 RAM, यहाँ पर 1 VW, यहाँ पे 1 VW, इसी तरह यहाँ पर 1 VH, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर 1 Vmin, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर 1 VmaX, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर लास्टली परसेंट और बेसिकली 1 आएगा, पहले आएगा 1, यहाँ पे 1%। सेव और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एंड रिजल्ट क्या हुआ है। यहाँ पर सॉरी, ये 7 जो है 67 हो गया सेव, क्योंकि ये रिजल्ट सही नहीं था, अब सही है। और यहाँ पर बेसिकली जो ये आ गया सबसे पहले M, जो के बेसिकली 1M, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1M बाई डिफॉल्ट 16 पिक्सल के इक्वल होता है, क्योंकि ब्राउजर में बाई डिफॉल्ट जो फॉन्ट लगा होता है ना, जो फॉन्ट सेटिंग होती है वो 16 पिक्सल की लगी होती है, जो HTML को बाई डिफॉल्ट फॉन्ट मिल रहा होता है फॉन्ट साइज वो 16 पिक्सल है, इस वजह से 1M 16 पिक्सल के है। और ये जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये रिलेटिव होता है एलिमेंट के फॉन्ट साइज के। ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में तसल्ली से डिस्कस करेंगे। 1 RAM, ये भी इक्वल होता है 16 पिक्सल के, क्योंकि ये रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज के इक्वल होता है और रूट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट HTML, जो कि HTML की डॉक्यूमेंट में रूट एलिमेंट HTML होता है, उसको बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल मिला होता है, इस वजह से ये भी 16 पिक्सल के इक्वल होता है बाय डिफॉल्ट। और यहां पर मैं इसको लिख भी दूंगा रिलेटिव टू डॉक्यूमेंट रूट या फिर HTML टैग। नेक्स्ट, ये बेसिकली रिलेटिव होता है व्यू पोर्ट की विड्थ के, यहाँ पे जो विड्थ है इसकी उसके रिलेटिव है, और ये रिलेटिव है व्यू पोर्ट की हाइट के, जितनी इसकी हाइट हो। और इसको बेसिकली यहाँ पे ये देखें, इस पे जरा आप गौर करिएगा, क्योंकि अभी जो हाइट है वो कम है और यहाँ पे वी मिन लगा हुआ है, उसके फौरन बाद
ये दोनों जो हैं ये एक साथ मूव करेंगे, और ये दोनों हैं ये एक साथ मूव करेंगे। मैं यहां से देखें, इनकी जो साइज है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि इनका जो साइज है वो विड्थ पे डिपेंडेंट है। ये देखें, मैं इसको कम करूंगा तो उसका साइज भी कम हो रहा है। ओके, व्यूपोर्ट की विड्थ पे ये दोनों, क्योंकि ये मैक्स पे लगा हुआ है और अभी अभी जो है विड्थ ज्यादा है, इस वजह से मैक्स इक्वल है ऑलमोस्ट वी डब्ल्यू के। यहां पर मैं आपको फाइनली शो करवा दूंगा कि हर एक को क्या क्या फाइनल एंड कंप्यूटेड रिजल्ट क्या लग रहा है। मैंने यहां पे P1 को सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने फिल्टर किया फॉन्ट साइज को, और आप देख सकते हैं कि 1 रैम जो है वो इक्वल है 16 पिक्सल के, जैसे कि मैं 2-3 दफा अभी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, 1 रैम भी इक्वल है 16 पिक्सल के। उसके बाद वी डब्ल्यू इक्वल है ये बेसिकली विड्थ के, क्योंकि तो इसका मतलब है कि ये 1% है, तो मेरे जो पूरा व्यू पोर्ट है उसकी जो विड्थ अभी होगी वो ऑलमोस्ट 1433 होगी, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये व्यू पोर्ट की विड्थ है। हाइट पे जाएं तो वो होगी 449, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये फिर वी मिन हाइट पे दे रहा है, सेम है वी मैक्स विड्थ को दे रहा है, क्योंकि विड्थ अभी बड़ी है। ओके, वी मिन जो भी डायमेंशन छोटी होगी उसको रिटर्न करेगा, वी मैक्स जो भी डायमेंशन बड़ी होगी उसको रिटर्न करेगा। लास्टली परसेंटेज ये अपने पेरेंट के फॉन्ट साइज को लगा हुआ है, तो इस वजह से ये 6 पिक्सल के इक्वल है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको तसल्ली से इन चारों को यूज करके दिखाऊंगा कि इनका क्या क्या यूज केस हो सकता है और इनको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मेनली रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ये दोनों और ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होते हैं, और जो फिक्स विड्थ के लिए हम फिर इसको यूज करते हैं पिक्सल को, ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.